कोरोना वायरस क्वारंटीन लॉकडाउन इन सब टर्म्स के बीच में एक नया टर्म निकल के आया है जिसका नाम है बॉयज लॉकर रूम। अब बॉयज लॉकर रूम क्या है, एक लड़की के इन्वॉल्वमेंट का एक किस्सा क्या है, इंस्टाग्राम चैट ग्रुप और स्नैपचैट में फ़र्क क्या है और इसकी हकीकत, इसकी असलियत क्या है, ये हम आपको बताएंगे एट द ब्लंटर। तो हुआ ये था कि दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा के प्रतिष्ठित परिवारों के कुछ लड़के जो कि तथाकथित तौर पे अलेजिडली अच्छे स्कूल्स में, महंगे स्कूल्स में पढ़ते हैं, और महंगे स्कूल्स अच्छे हों ये कतई ज़रूरी नहीं है, उन लड़कों ने एक अलग से इंस्टाग्राम पे चैट रूम बनाया और उस चैट रूम में वो ये डिस्कस करते थे कि उनकी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां, उनके स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां कितनी सुंदर हैं, कितनी खूबसूरत हैं और किस तरह ये लड़के उन लड़कियों को मोलेस्ट करना चाहते हैं। बॉयज लॉकर रूम कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, दिस इज नॉट द ओनली टाइम दैट इट हैज हैपेंड। ये मेन स्ट्रीम न्यूज का हिस्सा इसलिए बना है कि ये अमीरों के घरों में सेंध लगाने वाला मसला बना, और ये मेन स्ट्रीम न्यूज से बाहर भी इसीलिए हो गया कि जो लड़के इन्वॉल्व थे वो कुछ ऐसे परिवारों से आते थे जिनके पास इतना स्वे था कि वो मीडिया हाउसेस से टॉप 10 हेडलाइंस में 2 नंबर पे आने वाली न्यूज को 2 दिन बाद गायब करवा दे। और अब एक नया ट्विस्ट आया है, वो नया ट्विस्ट ये है कि स्नैपचैट पे लड़के का नाम अपने आप को बताकर एक लड़की बॉयज लॉकर रूम के लोगों के साथ बात कर रही थी और खुद के गैंग रेप की बात करके उनकी असलियत को सामने लाना चाहती थी। इसके बाद बड़ा हो हल्ला कटा, बात ये हुई कि भाई उस लड़की ने तो इनको फ्रेम किया है, और ये बात सच है, उस लड़की ने इनको फ्रेम किया, उस लड़की की गलती हो सकती है, बट बॉयज लॉकर रूम कोई 2 स्कूल्स या 3 स्कूल्स या एक इंस्टाग्राम चैट रूम या एक स्नैपचैट कॉन्वर्जेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे समाज की एक बेहद शर्मसार कर देने वाली पेट्रियार्की, पितृसत्ता को समझाता है। पितृसत्ता क्या होती है? पितृसत्ता ये होती है कि आप यदि महिला है तो आपके प्रमुख फैसले या तो मर्द लेगा, और यदि मर्द ना ले तो मर्द आप पे फैसला ना लेकर एहसान कर रहा है। इस पितृसत्ता की कई परतें होती है जिनमें से एक परत होती है ऑब्जेक्टिफिकेशन, महिलाओं को केवल एक ऑब्जेक्ट बनाना फॉर प्लेजर, फॉर सेक्स, फॉर रेप, इसका एक दूसरा पहलू है, उस पहलू को कहते हैं फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मात्र सत्ता नहीं है, फेमिनिज्म मेट्रियार्की नहीं है, फेमिनिज्म इज अ मूवमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ इक्वल सोसाइटी वेयर जस्ट बिकॉज समबडी हैज अ स्पेसिफिक जेंडर, सिर्फ इसलिए कि वो एक खास लिंग से आते हैं तो उनके अधिकार को नहीं मारा जाए। फेमिनिज्म के बीच में एक और चीज आती है जिसको कहा जाता है सूडो फेमिनिज्म। सूडो फेमिनिज्म क्या होता है कि फेमिनिज्म के नाम पर एक अजीब सा विक्टिम कार्ड खेला जाता है, और ये समाज नहीं करता, ये एसी में बैठने वाली बेहद आजाद जिंदगी जीने वाली तथाकथित तौर पर रोशन ख्याल रैशनल विमेन ये करती है। सूडो फेमिनिज्म ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति बस में दचके की वजह से आपसे टकरा जाए तो आप उसको पलट कर एक चाटा मार दें, क्योंकि आपको यकीन है कि हर मर्द जो आपको किसी भी तरीके से छूता है, जिस पे आपकी रजामंदी नहीं होती, चाहे वो उस मर्द की गलती से हो, तो ये आपके ऊपर एक एक्ट ऑफ मॉलेस्टेशन है। और इस सब के बीच में कहीं सच्चाई है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तानी समाज, और सिर्फ हिंदुस्तानी समाज नहीं, वैश्विक समाज इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। सच यह है कि हमारी माताओं बहनों को हम कितना भी झूठा आदर देने की कोशिश करें, हम उनको उनके फैसले लेने लायक नहीं समझते।
सच ये है कि जब हम बच्चे होते हैं तब से हमें ये कहा जाता है कि लड़की जैसे क्या रोता है। सच ये है कि हमारी दंत कथाओं में, हमारी स्टोरीज और फेबल्स में हमें ये सिखाया जाता है कि एक बेचारी राजकुमारी को बचाने के लिए उसका नाइट इन शाइनिंग आर्मर आएगा। सच ये है कि यदि परिवार संपन्न नहीं है तो बेटे को पहले खाना खिलाया जाता है और बेटियों को बाद में। सच ये है कि आज भी भारत में पत्नियां पति से पहले या पति के साथ खाना नहीं खाती। सच ये है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर भाषा का, जात का, धर्म का, लिंग का, आर्थिक संपन्नता का, हर किस्म का भेदभाव मौजूद है। सच ये है कि हर इस भेदभाव को लड़ने की ज़रूरत है। सच ये है कि फेमिनिज्म की ज़रूरत है। सच ये है कि एंटी कास्टिस मूवमेंट की ज़रूरत है। सच ये है कि एंटी कम्युनल मूवमेंट्स की ज़रूरत है। लेकिन सच ये भी है कि यदि इनका एक ड्रैकोनियन चेहरा, एक हैवानीय चेहरा इन मूवमेंट्स का सामने आएगा तो इस मूवमेंट की असली कॉन्वर्जेशन, असली नैरेटिव से ध्यान भटक जाएगा। सच ये है कि स्नैपचैट पे उस लड़की ने भले ही खुद को लड़के का नाम बताकर उन लड़कों को फ्रेम किया, लेकिन सच ये भी है कि इंस्टाग्राम पे उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया। सच ये भी है कि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सच ये भी है कि हमारे सभी मीडिया हाउसेस ने इस मैटर पे जजमेंट पास कर दिया है। सच ये भी है कि पहले तो लड़कों को खुला आरोपी बताया जाता था, उनको शेम किया जाता था और कहा जाता है कि एक लड़के ने इसी कारण से आत्महत्या कर ली। लेकिन सच ये भी है कि उस लड़की के इन्वॉल्वमेंट के बाद कई मीडिया हाउसेज ने एक खुला स्टैंड लिया है जहां पर उन्होंने कहा है ये लड़के तो बड़े मासूम थे, इनको तो इस लड़की ने फंसाया है। सच ये भी है कि आपको सोचने की जरूरत है कि सच क्या है। सच ये भी है कि हमें बताने की जरूरत है कि सच क्या है। सच ये भी है कि आपको अपने घर में, अपने समाज में चारों तरफ ये देखने की जरूरत है कि क्या हम माताओं और बहनों को देवी या दैत्या सिर्फ इन दो परिपाटियों में बांट देते हैं। क्या हमने कभी महिलाओं को सीता या लंकिनी के अलावा किसी रूप में देखा है? सच ये भी है कि आप एक महिला को, एक दलित को, एक शूद्र को, एक मुसलमान को, एक पारसी को, एक गरीब को अपने बराबर इंसान मानते हैं या नहीं। यदि मानते हैं तो लोगों से मनवाइए, यदि नहीं मानते तो खुद को सुधारिए। खुद को सुधारते रहिए, घर पे रहिए, कोरोना की महामारी है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए TheBlunted.com, as blunt as it gets.